हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल फादर ऑफ रिएक्शन। मेरा नाम है अवकाश हैदर और आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज वीडियो लेके आए, बढ़ते हैं उस वीडियो के टाइटल की तरफ। टॉप 7 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में 7 ज्यादा खूबसूरत तरीन जगह घूमने के लिए कौन सी है। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है एक्सप्लोर YRS। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बेल आइकन घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं, लास्ट में हम इस वीडियो को देखने के बाद अपना कुछ रिव्यू भी ऐड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में घूमने की जगहों के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो चारों ओर से भारत के 9 दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है। 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित उत्तर प्रदेश राज्य अपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप उत्तर भारत की संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा करना वाकई दिलचस्प हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक और दर्शनीय मंदिर मौजूद हैं जो दुनिया भर में पॉपुलर हैं। उत्तर प्रदेश को भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, अयोध्यापति श्री राम और ताजमहल जैसी अद्भुत जगहों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यूपी में इसके अलावा उत्तर प्रदेश अपनी सुंदर वास्तुकला, प्राचीन संस्कृति, स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत ही फेमस है। यदि आप उत्तर प्रदेश में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बने रहिए एक्सप्लोर YRS के नए वीडियो में जिसका नाम है टॉप 7 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर आता है आगरा। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर मौजूद आगरा एक पॉपुलर शहर है क्योंकि यहां दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल मौजूद है। यह फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जुड़ जाता है। इन तीनों जगहों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्व पटल पर गौरवशाली महसूस करवाया है। दूसरे नंबर पर आता है भारत की स्पिरिचुअल कैपिटल बनारस। विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर वाराणसी है जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। वाराणसी का पुराना शहर गंगा के पश्चिमी तट पर मौजूद है जो संकरी गलियों की भूल भुलैया में फैला हुआ है। वैसे तो लगभग हर मोड़ पर वाराणसी में मंदिर मिल जाते हैं लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे अधिक देखा जाने वाला मंदिर है और सबसे पुराना भी। बनारस को भगवान शिव के शहर के रूप में जाना जाता है। तीसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में आता है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक बहुत ही सुंदर शहर है। लखनऊ में कई सारे टूरिस्टिक और हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं। लखनऊ अपने अदब और तहजीब के साथ स्वादिष्ट पकवानों के लिए जाना जाता है। यह एक नवाबी शानो शौकत वाला शहर है जो अपनी अवधि संस्कृति के लिए मशहूर है। साइंस सिटी, रूमी दरवाजा, छतर मंजिल, बेगम हजरत महल पार्क, शाही बावली जैसी कई जगहें लखनऊ में घूमी जा सकती हैं। चौथे नंबर पर आता है अयोध्या। अयोध्या को राम जी की जन्मभूमि भी कहा जाता है। अयोध्या भारत का एक ऐसा शहर है जो उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर मौजूद है। ये शहर अपने सुंदर और प्राचीन मंदिरों और सुंदर घाटों के लिए जाना जाता है। कनक भवन और सीता की रसोई जैसी ऐतिहासिक जगह भी इस शहर में मौजूद है जिसे देश के कोने कोने से लोग देखने के लिए आते हैं। रामलला मंदिर, रामकोट, नागेश्वर मंदिर, मोती महल जैसी ढेरों जगहें यहाँ टूरिस्ट को पसंद आती हैं। इससे अगला पांचवें नंबर पर मथुरा शहर आता है। मथुरा को श्री कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में मौजूद है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और अगर धर्म कर्म में आपकी रुचि है तो मथुरा आपके लिए एक अच्छा शहर हो सकता है। यह एक धार्मिक स्थल है जहां भगवान कृष्ण के कई मंदिर मौजूद हैं। यहां दुनिया भर से पर्यटक श्री कृष्ण के मंदिरों में घूमने के लिए आते हैं। इस्कॉन संस्था की वजह से दुनिया भर के विदेशी लोग भी इस शहर में घूमने आते हैं। जामा मस्जिद, कंस किला, राधा कुंड, मथुरा संग्रहालय जैसी अनेकों जगहें आप यहां घूम सकते हैं। छठे नंबर पर आता है वृंदावन। वृंदावन वो शहर है जिसके रंग में हर कोई रंगना चाहता है, जहां बस हर तरफ राधे राधे की गूंज होती है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से 10 किलोमीटर दूर मौजूद है। पूरे देश में श्री कृष्ण जी के कई मंदिर मौजूद हैं लेकिन वृंदावन की बात कुछ और ही है। वृंदावन की कहानियां आपने बचपन में बहुत सुनी होंगी। यहाँ इस्कॉन मंदिर मौजूद है जो श्री कृष्ण बल्लभ के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर शहर का मुख्य आकर्षण है और इसके अलावा ये शहर कृष्णा मंदिर, केसी घाट, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर जैसी कई जगहों के लिए भी पॉपुलर है। सातवें नंबर पर आता है इलाहाबाद शहर।
इलाहाबाद को आज के समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मौजूद है। इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं, जिसका पौराणिक नाम प्रयाग है। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ और 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। संगम पातालपुरी मंदिर, अक्षयवट, खुसरो बाग, कंपनी गार्डन, स्वराज भवन यहाँ की कुछ घूमने लायक जगह हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस देखने के लिए। जी तो गाइस, ये थी वीडियो, जैसे कि 7 खूबसूरत तरीन शहरों के बारे में बताया गया जो यूपी में है, और उन शहरों के अंदर अलग अलग जगह बताई गई है कि ये जगह, ये मंदिर, ये किला आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। हालांकि मैं यूपी को मैंने बहुत ज्यादा सुना हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट यूपी है, उत्तर प्रदेश। मेरे साथ सऊदीया में यूपी से लड़के काम करते थे, बिहार के, बिहार का जो बॉर्डर बनता है उस एरिया में, मेरे ख्याल में सवान शहर है, उस सवान के मेरे साथ काम करते थे। अब वो यूपी में है या बिहार में है, लेकिन वो बॉर्डर एरिया में है। मेरे साथ बिहार के लड़के भी काम करते थे और यूपी के भी लड़के सऊदीया में काम करते थे। अभी वो किसी और कंपनी में चले गए हैं, मैं किसी और कंपनी में आ गया हूँ, लेकिन अभी उनके साथ मेरा इतना ज्यादा वो रब्ता भी नहीं है। क्यों? एक तो लड़का सऊदीया से दुबई शिफ्ट हो गया था, तो ऐसा कभी कभार फेसबुक पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे कभी कभार गपशप हो जाती है, हाल चाल हम एक दूसरे का पूछते रहते हैं। तो इस हवाले से यूपी को मैं बड़ा काफी जानता था, लेकिन वीडियो में ये चीजें सारी देखने के बाद अब मुझे मजीद इंफॉर्मेशन मिली है कि कौन कौन से शहर, कौन से प्लेसेस ज्यादा बेस्ट हैं घूमने के लिए। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि ताजमहल भी जो है वो यूपी में है, आगरा यूपी में है, बनारस यूपी में है। हालांकि बनारसी ठग एक मूवी आई थी, उस ये काफी मूवीज में वैसे ये डायलॉग यूज भी किया जाता है, लेकिन बनारसी ठग एक मूवी आई थी। मैं काफी वीडियोस में इस चीज को डिस्कस करता रहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि इंशाल्लाह जिंदगी में एक बार मैंने हिंदुस्तान देखना और पूरा हिंदुस्तान देखना। मैं ये जैसे जैसे ये वीडियोस देखता रहता हूँ, उन पर रिएक्शन करता रहता हूँ, और मेरे जहन में फिर चीजें नकश होती रहती हैं कि ये वाला सिटी देखना है, ये वाला शहर देखना है, ये वाला प्लेस देखना है, ये चीज ज्यादा खूबसूरत है। जैसे गोवा हो गया, गोरगांव हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अभी ये ताजमहल का था, ये तो सब छोटा सा मैं था तब का, मैंने सुना हुआ है, तो उस वक्त दुनिया के 7 अजूबों में शामिल होता है। तब से मेरे जहन में यह था कि अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान जाएंगे और ये चीजें विजिट करेंगे। अब देखते हैं कि कितना जल्दी ये मौका आता है और कितनी जल्दी आके मैं ये सारी चीजें देख लेता हूँ। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। ऐसी किसी और वीडियो भी अगर आप मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें, मैं आपकी रिक्वेस्ट पर जरूर अमल करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।